बीजेपी ने अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य के पिता और भाई को पार्टी से निकाला। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और भाई को पार्टी से निकाल दिया है। आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, वहीं भाई अंकित आर्य को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। अंकित उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य का कहना है कि जिला प्रशासन जांच करे और हम गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले 24 सितंबर शनिवार की सुबह SDRF टीम को चीला शक्ति नहर से अंकिता की डेड बॉडी मिली। मामले में CM पुष्कर सिंह धामी ने SIT का गठन करने का आदेश दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पुलकित आर्य के ऋषिकेश में बने वंतारा रिजॉर्ट के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। CM ने ट्वीट कर लिखा, आज सुबह बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया गया। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक P. रेणुका देवी जी के नेतृत्व में SIT का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के भी आदेश दे दिए हैं। CM ने ये भी बताया कि आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। उन्होंने लिखा कि जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता भंडारी मर्डर केस में लोगों का आक्रोश लगातार जारी है। अतुल कुमार सेठ नाम के शख्स ने ट्विटर पर लिखा, प्रशासन ने रातों रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दी। रिजॉर्ट में जो काले कारनामे चल रहे थे उनके सबूत कहां से आएंगे? सबूत मिटाने की इतनी जल्दबाजी क्यों? बालम सिंह नेगी नाम के शख्स ने ट्विटर पर लिखा, फांसी की सजा से कम मान्य नहीं होनी चाहिए। यदि फांसी नहीं हुई तो मान लीजिए भाजपा नेता होने का फायदा मिला है। पत्रकार गौरव पांडे ने ट्वीट करके लिखा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, मन तो पूरे देश का व्यथित है। साहब आपसे तो बस ये उम्मीद है कि मंत्री के बेटे को फांसी दिलवाइए, मंत्री एवं उसके बेटे के काले साम्राज्य को खत्म करिए, नहीं तो देवभूमि के देवता आपको माफ नहीं करेंगे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और भाई को पार्टी से निकाल देने को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।